बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 10, आज हमारा सेकेंड यूनिट चाइनीज़ वीयर्स के जो लास्ट वाले दो पैराग्राफ हैं वो हम देखते हैं, पैराग्राफ 6 और 7। इसकी हेडिंग है ऑनरिंग द एनिमल, ऑनरिंग द एनिमल। लफ्जी तर्जमा करें तो जानवर की इज्जत अफजाई, लेकिन यहाँ पर हम इसका तर्जमा जो इडियोमेटिक करेंगे, जानवरों का एहतराम। ये किस लिहाज से जानवरों का एहतराम करते हैं वो देखते हैं इस यूनिट में। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडियाक। ज़ोडियाक कहते हैं बुर्ज को। ये कौन से बुर्ज होते हैं? आपने अक्सर मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा, जी आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, और फिर एक पर्टिकुलर डेट को पैदा होने वाले लोगों को बताया होता है, जी आपका स्टार ये है। वो जो एक्चुअली जो स्टार है उसे बुर्ज का नाम दिया गया है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो वगैरह वगैरह वगैरह। ये चूँकि 12 एनिमल्स के नाम पे उन्होंने रखे हुए हैं, तो इसलिए 12 चाइनीज ज़ोडियाक जो है ना उसका हिसाब से उन्होंने रखा हुआ। तो एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, हर साल जो है वो वाबस्ता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवर में से एक जानवर के साथ ऑफ द चाइनीज ज़ोडियाक, चीनियों के बुर्ज में से। These animals are often represented in decoration. और इन जानवरों की नुमाइंदगी, रिप्रेजेंट करना नुमाइंदगी, अक्सर डेकोरेशन सजावट आराइश की सूरत में होती है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करना नुमाइंदगी करना, इन जानवरों की नुमाइंदगी अक्सर डेकोरेशन की सूरत में, आराइश की सूरत में, सजावट की सूरत में होती है। Some people believe, कुछ लोगों का ये अकीदा है, that those born during the year of a particular animal, कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, पर्टिकुलर खास मखसूस। चीनियों का वैसे क्या होता है कि 12 साल का एक पूरा साइकिल चलता है, और हर साल को वो एक जानवर के नाम पर मंसूब कर देते हैं कि ये साल जो है, मतलब कि स्नेक का साल है, ये गोट का साल है, और ये फलां का साल है वगैरह वगैरह। तो ये हर साल को उन्होंने एक मखसूस जानवर का नाम से व्यवस्था किया होता है। उनका कहना ये है कि एक खास जानवर के नाम से मंसूब जो साल होता है, कोई शख्स अगर उस साल में पैदा हो जाए तो उसमें उस जानवर वाली खसूसियात होती है। बात थोड़ी सी नॉनसेंस सी लगती है, अगर बहरहाल ये उनका कहना है। तो कुछ लोगों का ये अकीदा है कि वो लोग जो कि एक खास जानवर के साल में पैदा होते हैं, मे हैव द करेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उसमें उस जानवर की करेक्टर ट्रेट्स पाई जाती हैं, किरदार की खसूसियात पाई जाती हैं, करेक्टर किरदार और ट्रेट्स खसूसियात, किरदार की खसूसियात। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि वो लोग जो एक खास जानवर के साल में पैदा होते हैं, उनमें उस जानवर की किरदार की खसूसियात जो है वो पाई जाती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन भी पूछा है कि चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग करेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट आर एंड ओपिनियन, कि आपके ख्याल में कि ये जो कीदा है कि उस खास साल में पैदा होने वाला जानवर वही खसूसियात का हमल होगा, ये एक हकीकत है या फिर एक राय है? तो साफ नज़र आ रहा है ये जस्ट एक ओपिनियन है, इसका हकीकत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। पैराग्राफ नंबर 7, चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चीनियों का नया साल ये वो वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब खानदान के अफराद को कम टुगेदर इकट्ठे होना चाहिए, एक दूसरे के पास आना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड, गुजरे हुए साल की शुक्रगुजारी के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, द ईयर दैट पास्ड, वो साल जो गुजर गया, गुजरे हुए साल के शुक्रगुजारी के लिए चीनी खानदानों को एक दूसरे के पास आना चाहिए, और क्या करना चाहिए, एंड रेइनविगोरेट देमसेल्व्स, रेइनविगोरेट करना, स्ट्रेंथन करना, ताकत बढ़ाना, और दोबारा ताकत हौसला बढ़ाएं फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के, और आने वाले साल के लिए ताकत को, अपनी पावर को, कुव्वत को बढ़ाने के लिए।
थीम देख लें, तो थीम में से आपको पता है कि पेपर में से वैसे तो कुछ नहीं आता है, जस्ट ये रीडिंग है। चाइनीज न्यू ईयर इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल इन चाइनीज कल्चर। चीनियों का नया साल ये चीनियों की स्काफ में जो उनके त्यौहार हैं उनमें से एक बड़ा त्यौहार है। जस्ट लाइक अदर एथनिक कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी जो अखलाकी कम्युनिटी या मुआशरा है उनकी तरह, इन चाइना टू द न्यू ईयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द ईयर। तो चीनियों में भी नया साल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। दिस इज द टाइम, ये वो दिन होता है, ये वो वक्त होता है वेन द फैमिली मेम्बर्स सट्राइव, जब खानदान के अफराद कोशिश करते हैं टू बी विद देयर नियर एंड डियर वंस, के वो अपने अजीजों का के करीब रहें। दे रिगार्ड दिस एज अ टाइम, वो इस वक्त की कदर ऐसे करते हैं टू यूशर आउट द ओल्ड ईयर, गुजरे हुए साल कोई जो है उसकी नुमाइंदगी के लिए। यूशर करना वैसे होता है क्यादत करना, आगे करना, एंड वेलकम द न्यू ईयर नए साल की खुश आमदीद कहने के लिए विद ग्रेट फेस्टिविटीज एंड मैरी मेकिंग, खुशियों और मुसरतों के साथ। ओके बच्चों, आज हमारा सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम अगले यूनिट में एक तो ब्लॉग के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ग्लॉसरी देखेंगे और ये वोकैबुलरी का ये पार्ट देखेंगे, फिर बाद देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।